उत्तरोत्तर तरक्की के साथ में हमारे बच्चों की भी तरक्की हो, ये कामना करें। इसलिए मैं आप सब पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं कि आप आज हमारे साथ में जुड़े, आपके बच्चे हमारे साथ में जुड़े। आप बधाई के पात्र हैं। Yeah.
What an enthralling performance it was. Pride ourselves in our diversity just as we feel great honor in our unity. And that will always be true. Saif kahan hai? And let us see the next performance, that is the rope dance. Samne hi hai yaar. Before we move ahead for the next performance, these were the 10 graders Saif who tried again a unique act called as LED act. So please give them a big round of applause for trying a new innovation act. First, so that sir, you can move from this side also, so that there will be more place. Is side se chale jayenge sir? Is side se chale jayenge? Ma'am, dekho. Ma'am, is side se bhej dijiye sabhi ko. इस साइड से चलते जाइए फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड साइड सो दैट दे कैन बी प्लेस इतने अच्छे से डेकोरेशन हुआ था स्कूल का इतना अच्छा लग रहा था इतनी खुली जगह में बड़े एरिया में था नाइट में था बट बहुत प्यारा लाइटिंग में लग रहा था और ये सैफ का टापू जैसे बनाए थे और ये कश्मीर के पूरा इसमें यहाँ पर इतना अच्छा लगा कि सभी टापू बनाए हैं उसके बाद जो जैसा बोलना है सभी धर्म का बनाए हैं उसमें चीज़ें जहाँ जो फेमस है वो रखी गई हैं आप लोग देख सकते हैं नीचे सारी कश्मीर की सैफ को उसी के बारे में कश्मीर के बारे में बोल है फिर उसी का एक डांस आता है तो जैसे सीरीन का था पंजाबी तो उनका भी एक बनाए थे पंजाबी का और इसी तरीके से तो यहाँ हम लोग ने पिक्चर्स वगैरह खींचे और यहाँ खाने वगैरह का भी पूरा स्टॉल वगैरह लगी थी और सभी चीज़ें इतना अच्छा था और बच्चों को क्या है बिल्कुल लास्ट में आपको पूरा की पूरी परफॉर्मेंस देखना है लास्ट में बच्चों को आपके मिलेंगे यहाँ पर ऐसा नहीं कि हुई और ले लो जैसे नायमा के में बट नायमा के में ऐसा है कि हुई परफॉर्मेंस और आप अपने बच्चों को ले जाओ या फिर दिखाना है तो दिखाओ मतलब शो वगैरह और यहाँ और इसमें ऐसा था कि शीरीन को पूरा मतलब परफॉर्मेंस पूरी होगी सबकी फिर शीरीन आपको मिलेगी तब आप लास्ट में ले जाओगे और ये सिंगिंग में थी जोया और आप लोग देख सक रहे हैं टोपी वगैरह पहन के इन लोगों ने सिंगिंग बहुत सारी की एक साइड अलग बैठे थे इन लोग स्टेज में दूसरे और इस तरीके सिंगिंग तो ये मैंने स्क्रीन से जो कि दो तीन स्क्रीन अलग अलग यानी चार स्क्रीन लगाए हैं इन लोग ने स्टेज के बाद जिसको जिसे देख नहीं पाए तो वो स्क्रीन से वो बहुत इजी होता है देखना तो स्क्रीन से देख के अपने बच्चों को और परफॉर्मेंस देख सके इजीली इसलिए लगाया जाता है तो बहुत अच्छे से तो फिर उसमें जोया का दिखा रहा था तो मैंने ये जूम करके लिए इसलिए फेवरेट फ़ोटो आई है और ये सैफ का डांस था जिसमें उनको पूरी बॉडी में मतलब लाइट वगैरह लाइटिंग लगा के और डांस करना था जो कि इससे पहले आप लोग आगे वीडियो में देखें कि कैसे सैफ का डांस हुआ है ये सामने जो देख रहे थे आप खड़ा है वो सैफ है और उसका डांस था बहुत टाइम बाद उसने फर्स्ट टाइम किया तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर इतना अच्छा था कि मतलब क्लास वाइज बुला के और पेरेंट्स को और बच्चे वगैरह दे रहे थे ये अच्छा लगा क्योंकि इकट्ठे भीड़ हो जाती बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती घूमने की कोई कहीं बट इन लोग ने पेरेंट्स वाइज मतलब क्लास वाइज बुला के पेरेंट्स को अपने अपने बच्चे सेफली दे के और फिर सभी लोग को मतलब दिए बहुत अच्छा लगा ये चीज़ मुझे कि इजीली आप जाओ क्लास वाइज बुला रहे हैं अपना अपने बच्चे को लो और फिर निकल जाओ वहाँ से ऐसा निकलो तो सीरीन को तो बिल्कुल फ़ोटो नहीं खींच पाए क्योंकि सीरीन ने वहाँ की डांस की और फिर से उन लोग को जो कॉस्ट्यूम वापस देना था तो सीरीन ने फट से चेंज करके उनको कॉस्ट्यूम दे के और स्कूल की यूनिफॉर्म में आ गई तो हम लोग तो दे मतलब एक पिक्चर्स भी नहीं ले पाए हम लोग ऐसे बाकी उसकी स्कूल की तरफ से तो खींची होगी बट हमने एक भी पिक्चर उसकी मैंने नहीं ले पाई और डांस में तो वो मतलब थर्ड नंबर में थी तो उतने अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा था उसका डांस सो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा वीडियो सो नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़।